मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। शिव शक्ति की शादी टूटने की वजह खुद शक्ति तक पहुंच गई। तो ठीक है शक्ति, पर कुछ देर बाद तुम ठीक नहीं रहोगी। अबे ओ पिद्दी, सीनियर्स के साथ पंगा लेते, अब तुझे बताता हूँ सीनियर होने का क्या मतलब होता है। एक मिनट, पिद्दी के स्कूल में हम भी सीनियर हैं। सीनियर होने का मतलब समझाएं? इसने हमारे फ्रेंड को मारा है पत्थर से, उधर उसका खून भी निकल रहा है। बेटा, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? आपने किसी बच्चे को मारा? हाँ मारा, और मारूंगा, बहुत मारूंगा। देखा, कहा था ना, एक नंबर का गुंडा है ये कार्तिक। तुमने फिर किसी को मारा? आज तो तुम्हें प्रिंसिपल मैम ही देखेंगी। कम विद मी। रुकिए, ये कोई तरीका है बच्चे के साथ पेश आने का? मैम आप इसे जानती नहीं हैं, आप इसकी सूरत पे मत जाइए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये शैतान का रूप है। पर स्टॉप, आप अंदर कैसे आ गई और यहाँ आप टीचर के साथ लड़ रही हैं? चलिए बाहर चलिए। लेकिन देखिए ना, वो बच्चे का कान कैसे खींच रही है। आपका बच्चा है वो? नहीं ना, चलिए बाहर चलिए। आप चलिए, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। चलिए।
अभी काम पूरा नहीं हुआ है। शक्ति को कार्तिक से मिलाना जरूरी है, पूरा सच बताना जरूरी है कि वो शिव का बेटा है। क्या करूं? एक फोटो तो मिसिंग है, कहां चली गई? इतने साल हो गए, हमारे बीच के फासले बस बढ़ते ही चले गए। मुझे पता है बहुत सी शिकायतें होंगी तेरी मुझसे, पर अब कोई आ गया है जो हमारे बीच के फासलों को कम कर देगा। कार्तिक, तेरी सारी शिकायतें दूर कर देगा। शक्ति, अब मुझे तेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, तुझे अपने पास रखने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हमारे पास शक्ति है। तू देखना, वो सब कुछ संभाल लेगी। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत खुश हूं चाची। पता है चाची, बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी। शक्ति को मेरा सच पता नहीं था, दिल पर इतना बड़ा बोझ था, लेकिन शक्ति ने मुझे अपना कर वो सारा बोझ हटा दिया। ऐसा लगता है कि मेरी सारी तकलीफ बांटने के लिए अब मुझे कोई मिल गया है। अब तुम देखना, तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ा और वक्त बीत जाएगा ना, फिर हम कार्तिक को भी घर ले आएंगे। वैसे भी एक बच्चे को उसके घर पर होना चाहिए ना, हॉस्टल में नहीं। क्यों चाची? वही तो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों शक्ति के लिए सबके पीछे हाथ पांव धोके पड़ी थी? तुमसे झगड़ा कर रही थी, तुमसे लड़ रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो इस घर में आ जाएगी ना, तो ये घर फाइनली जाके घर बनेगा और हमारा कार्तिक, हमारा चिराग, हमारा बच्चा घर वापस आ जाएगा। क्या हुआ चाची? कुछ नहीं, बस जब भी कार्तिक के बारे में सोचती हूँ ना, आंख भर आती है। माँ हो ना, तुम नहीं समझोगी। एनीवे, अब ये दूध पियो। नहीं 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 चाची, जब भी मैं ये दूध का नाम सुनता हूँ ना, तो मुझे उल्टी आने लगती है, पी तो नहीं सकता। अच्छा, तो बैठ तो सकते हो, बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो। तो क्या है ना डॉक्टर शिव, कि अगर तुम मिस्टर जिद्दी हो तो मैं भी मिस्टर जिद्दी की चाची हूँ। या तो तुम ये दूध अभी पियोगे, या तो फिर मेरे साथ आधे घंटे बहस करने के बाद। सो चॉइस इज योर्स। ओके सिद्धि चाची, अभी पी लेता हूं। पियो पियो। वेरी गुड बॉय। अच्छा शिव, एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि शक्ति एक माँ की जिम्मेदारी निभा पाएगी? वो तो खुद ही बच्ची है अभी। बच्ची नहीं है वो, पूरी दादी माँ है। आपने देखा नहीं था चाची, उस दिन जब घाट पर वो बच्चा अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था ना, तो कैसे शक्ति ने उसमें जान डाल दी थी, उसकी जान बचाई थी। और ऐसी जान सिर्फ एक माँ ही बचा सकती है। जब भी मुझे अटैक आता है ना, आपने नहीं देखा है कि वो कैसे मेरा ख्याल रखती है, कितना ध्यान रखती है मेरा। शांत डॉक्टर शिव,
और जब रिमझिम और रंजन की शादी होने वाली थी ना, तब उसने खुद को दांव पे लगा दिया था उस शादी को रोकने के लिए। ऐसा बलिदान सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। एक माँ में जो सारी क्वालिटीज होती है ना, वो सारी शक्ति में, बलिदान, सेल्फलेसनेस और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ममता। कूट कूट कर भरी है उसमें। सोचिए, जो दूसरों के लिए इतना कुछ कर लेती है, वो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। आई मीन, कार्तिक अब उसका अपना ही बच्चा तो है। इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं चाची, भरोसा है शक्ति पर और उसकी सुपर पावर्स पर। और उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है उसका प्यार। जिन्हें वो प्यार करती है ना, उनकी आंखें पढ़ लेती है, बिना बोले उनका दर्द समझ लेती है और वो दर्द अपने ऊपर ले लेती है। और फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे अलग नहीं कर पाते। खुद तकलीफ सह सकती है, पर जिनसे वो प्यार करती है उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। जिनसे प्यार करती है, अगर उन पर इतनी सी भी आंच आ जाए ना, तो उन्हें बचाने के लिए चंडी का रूप ले लेती है, क्योंकि उसका नाम ही शक्ति है। हिम्मत कैसे भी इस पे हाथ उठाने की? मैं माँ आप इसे नहीं जानती। ऐसे बच्चों को ठीक करने का यही सही तरीका होता है। किसके बारे में बात कर रही हैं? एक बच्चे के बारे में या फिर एक क्रिमिनल जिसको ठीक करने की जरूरत है? बच्चा कैसा भी हो, उससे बात करने का, उसे समझाने का सिर्फ एक तरीका होता है, प्यार से। मारने पीटने का हक किसने दिया आपको? आपको पता नहीं ये कानूनी जुर्म है? ये कानून के खिलाफ है। पुलिस को बुलाएं, हम मीडिया को बुलाएं, बखेड़ा खड़ा करें यहाँ पे। अच्छा, पुलिस को तो हम बुलाएंगे। एक तो आप बिना परमिशन के स्कूल के अंदर एंटर कर गई, और अब मैडम को धमका रही हैं। बुलाइए पुलिस को। हम तो यहाँ ये तहकीकात करने आए थे कि बच्चों के साथ यहाँ कैसा सुलूक किया जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है हॉस्टल में। लेकिन यहाँ आने के बाद ना, हमने सब देख लिया अपनी आंखों से, सारा सबूत है हमारे पास। पुलिस बुलाना चाहते हैं ना, बुलाइए पुलिस को। आप टीचर है ना, टीचर का मतलब जानती हैं आप? गुरु। गुरु वो जो माँ बाप के ऊपर होता है, साई यानी कि भगवान के ऊपर। और आप यहाँ भगवान का कोई काम नहीं कर रही है, शैतान का काम कर रही है। बच्चों को ऐसे सिखाएंगी आप, उनके दिल में डर डालकर? आपका काम है बच्चों की रक्षा करना, लेकिन यहाँ आके हमें ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को आप जैसे लोगों से बचाने की जरूरत है। हमारी बात ना कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपने इस बच्चे को वापस से हाथ लगाया, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन है आप? माँ है क्या इसकी? हाँ,
यही समझ लीजिए कि हम इसकी माँ हैं। जब तक इसके मम्मी पापा नहीं आ जाते, हम ही इसकी मां हैं। ये शक्ति हर जगह नेता क्यों बन जाती? बस बाप का नाम पता कर और चलती बनी यहां से। बेटा, अपने मम्मी पापा का नंबर दो ना, हम उनसे बात करते हैं, हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं। सही सवा, बताओ कार्तिक बेटा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, जल्दी बताओ। क्या बताऊं चाची, मुझे सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि क्या शक्ति मेरे बेटे को अपना पाएगी, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी उसने हाँ कर दिया। मेरे अंदर जितना भी डर था, कंफ्यूजन था, वो सब कुछ दूर कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि जितना प्यार शक्ति मुझसे करती है, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो मेरे बेटे से करेगी, शिव के कार्तिक से करेगी। हमारी जिंदगी में जो अंधेरा था ना, अगर उसमें कोई रोशनी लाएगी तो वो शक्ति होगी। इसीलिए चाची, मैंने अभी फैसला किया है कि मैं अपने अतीत को, अपने पास्ट को अब बंद कर दूंगा और अब मेरे जिंदगी में सिर्फ मेरे प्रेजेंट और मेरे फ्यूचर के लिए जगह है। दवाई का असर तो होने दो, फिर पता चलेगा। कुछ कहा आपने चाची? हाँ, यही कि तुमने एक्चुअली बहुत अच्छा किया शक्ति को सब कुछ बता के। अगर उसे किसी और से पता चलता ये सब तो बहुत दुख होता। और देखो ना, इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसने तुम्हें हाँ कहा है, इसका मतलब वो तुमसे कितना प्यार करती है ना? बस एक बात सोच रही थी मैं। क्या क्या सोच रही थी चाची? यही कि शक्ति एक अच्छी पत्नी तो हो जाएगी, वो तो गारंटीड है, पर एक अच्छी पत्नी बनने में और एक मां बनने में ना बहुत फर्क। पर जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना? तुम चिंता मत करो, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा कि तुम चाहते हो। तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। मेरी दवाइयों का असर तो होने दो, फिर तुम्हारे दिमाग का बैलेंस तो हिलेगा ही, पर इसके साइड इफेक्ट से तुम्हारी पूरी जिंदगी का बैलेंस हिल जाएगा। शक्ति बहुत अच्छी मां बनेगी, बहुत अच्छी मां बनेगी शक्ति। शी बी द बेस्ट। बो दिया बीच शब्द का, बो दिया। अब ये बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा और मेरी दवाई इस पर खाद का काम करेगी।
फिर 10 जनवरी तक ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और इसकी जड़ें इस तरह से फैल जाएगी कि इस परिवार की रूट्स को उखाड़ के बाहर निकाल देगी। वैसे क्या कहा था शक्ति ने? मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। हमारी निगाहों में अगर सबसे बड़ा कोई जुर्म है ना, तो वो है झूठ, और हम झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा, बताओ आपके पापा का नंबर क्या है?